राजस्थान में कांग्रेस सरकार 2 साल पूरा होने से पहले ही एक शानदार मिसाल पेश करने जा रही है, जहां पर जन घोषणा पत्र समिति की बैठक होने जा रही है और बैठक में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ताम्रध्वज साहू, अमर सिंह, टीएस सिंहदेव जैसे नेता जयपुर पधार चुके हैं, जहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र पर कितना काम किया गया है इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना हिसाब किताब मुख्यमंत्री कार्यालय में दोपहर बाद की बैठक में देंगे। एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन कहा जा सकता है कि 5 सालों तक विपक्ष में रहने के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सड़कों पर रहकर संघर्ष किए और अब सरकार छोड़ने के बाद जब सड़क पर उतरे हैं तब तो उनके संघर्ष की वजह से आज यह सब देखने को मिल रहा है कि सरकार फ्रंट फुट पर खेल रही है। जिस तरह से लगातार बैठकें की जा रही है, कांग्रेस सरकार अपने कामकाज पर ध्यान दे रही है, ये कहा जा सकता है कि सचिन पायलट की बगावत का नतीजा है। वरना सरकार को ऐसा लग रहा था कि जंग लग गया है, न नौकरियों की भर्तियां हो रही थी, न कोई कामकाज हो रहा था, न विधायकों की पूछ हो रही थी, न मंत्रियों की पूछ हो रही थी, अफसर मनमानी कर रहे थे। अंदाजा लगाइए कि दिव्या मदेना फरियादियों को लेकर छुट्टी के दिन शनिवार को भूपेंद्र सिंह उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। यह हालात क्या पहले हो सकते थे अगर सचिन पायलट बगावत नहीं करते। जिस तरह से लगातार दिल्ली में बैठकें हो रही हैं, अजय माकन आकर कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर रहे हैं, यहां तक कि अशोक गहलोत के कट्टर समर्थक जो विधायक हैं वो भी जाकर अपनी पीड़ा बता रहे हैं अजय माकन को। यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि सचिन पायलट ने संघर्ष किया और सचिन पायलट का संघर्ष अब भी जारी है कि जल्दी से जल्दी राजनीतिक नियुक्तियां दी जाएं, जो मंत्रिमंडल में जगह है उसे उसकी भर्ती की जाए, जो कुछ वादा किया है कांग्रेस पार्टी ने उस वादे पर अमल हो। आज उसी संघर्ष का नतीजा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कृषि बिल का विरोध करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, वरना अपने आवास पर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फिलहाल आज के हालात में मीडिया बेहद दबाव में है, लेकिन जहां तक राजस्थान की बात है, आधा दर्जन टेलीविजन चैनल हैं, क्षेत्रीय न्यूज चैनल है, मास मीडिया है, अखबार हैं, जो चाहते हैं अशोक गहलोत वही छपता है, वही चलता है, जितना पैसा जिसको देना होता है उसको देते हैं। ऐसे में बार बार मीडिया के ऊपर आरोप लगाना कि मीडिया दबाव में है, यह सही बात नहीं है, क्योंकि पिछले 2 बार से जब भी वो मुख्यमंत्री रहे हैं इसी तरह के हालात रहे हैं कि वो दिन भर रीजनल मीडिया में दिखते रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही हों या अशोक गहलोत रहे हों। इसलिए पत्रकारों या मीडिया घरानों को बार बार दोष देने के बजाय ये देखना होगा उन्हें कि मीडिया उनके पक्ष में किस तरह से दिन भर लगा रहता है, उसके बावजूद ये लगातार इस तरह की शिकायतें करते रहते हैं। दूसरी बात कृषि बिल को लेकर है। कृषि बिल को लेकर आज किसानों ने भारत बंद कर रखा है, लेकिन कहीं भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ गुर्जर और जाट समुदाय के लोग अलग अलग जगहों पर ट्रैक्टर पर रैलियां लेकर निकले हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए ये आत्ममंथन का समय है कि किस तरह से हम सड़कों पर उतरें, ना कि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए सक्रिय रहें। क्योंकि इस बिल के लिए राय जानने जब हम जयपुर के सबसे बड़ी मंडी में पहुंचे थे VKI में, वहां पर खाद्य पदार्थ महासंघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता उनसे बातचीत हो रही थी, और उसके बाद जब हमने कहा कि इतना शानदार मंडी जो है अशोक गहलोत ने बना कर दिए हैं और इस मंडी की व्यवस्था पूरी खत्म करने जा रही है BJP, आप लोग तो BJP के सपोर्टर हो, क्या अब भी वोट दोगे? तो उन्होंने कहा हम अब भी वोट देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके लिए क्या किया, अशोक गहलोत ने तो इतनी अच्छी मंडी बना कर दिया है आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश में बहुत अच्छा नाम किया, हमने क्या किया है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो अगर जनता के मन में ये बैठा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया है या न जानते हुए कि उन्होंने क्या किया है, तो हमें तरस उस व्यापारी पर नहीं आता है, तरस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं पर आता है कि किस तरह के हालात में वो जी रहे हैं, कि आम जनता को समझा भी नहीं पा रहे हैं कि देश के लिए बेहतर क्या है। मीडिया पर आक्रोश व्यक्त करने के बजाय सड़कों पर आक्रोश व्यक्त करें, जनता के बीच जाकर समझाएं, तो ये कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।